हेलो दोस्तों, मैं हूं विषम शर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी हर्पल फैमिली में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक वीडियो लेके आया हूं जो रैथम काउंटी सोसाइटी का नाम है और नोएडा एक्सटेंशन के अंदर है वो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊँगा उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, पर मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ जो सोसाइटी के अंदर खास होने वाली है। नंबर वन बात यह है, आपको जो मिलने वाला है इसमें एक ऐप से ऑपरेट होने वाली ये सोसाइटी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी सोसाइटी है ये एक जो आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पूरे डिजाइन पे आपको बना के दी जा रही है। इसमें अगर आपका जो स्विमिंग पूल है वो भी आपके पियानो के सेम में है और जो आपका जो टावर बन रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ आपकी जो डिज़ाइन दे रखी है वो एक म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर दी हुई है। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अपना वही चैनल सब्सक्राइब कर लो यारो, और बेल आइकन दबा देना, वो जो साइड में होता है ना घंटा सा उसे दबा दीजिएगा। और दूसरा क्या बोलूँ मैं आपको, अगर आपका बजट 11.5 लाख भी है, अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप डी हेल्पर फैमिली पे जाके, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, 6-7 ऐसी लोकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं। अगर आपके बजट की चीज़ है तो आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके मैं शुरू दिखाता हूँ, फिर आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपका इनका जो प्लान है, आपको जो बनने वाली सोसाइटी दिखेगी कुछ इस प्रकार दिखने वाली है। आपको इसके अंदर फैसिलिटी क्या मिलेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लब हाउस, जिम एंड सलून, कैफेटेरिया, सेल्फी स्पेस, सोना एंड स्पा, रिसेप्शन एंड गेस्ट रूम आपको इस सोसाइटी के अंदर ही मिलेगा। बात करें स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल जो आपको मिलने वाला है वो आपको कुछ इस तरीके से पियानो की शेप में मिलेगा। बात करें यहाँ के पार्क की, तो पार्क आपको 1 एकड़ का मिल रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ्लैट साइजों की। तो फ्लैट साइज जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आपको 1080 स्क्वायर फीट से लेके आपको 1200 स्क्वायर फीट में आपको 2 BHK आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है, और 1500 स्क्वायर फीट में भी आपको 3 BHK आपको फ्लैट यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इस सोसाइटी के अंदर जो आपको टावर मिलने वाले हैं, टोटल 9 टावर इस सोसाइटी के अंदर होंगे, जो कि ये प्रोजेक्ट है आपका पूरा 3 एकड़ में बन रहा है, ये प्रोजेक्ट जो आपका बन रहा है पूरा। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ का पूरा आपको एरिया दिखाते हैं पहले आसपास का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की जो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो इन बिल्डिंगों के अंदर हर किसी का एक सपना है कि घर हो मेरा अपना। तो उसी सपने को देखते हुए हम कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से एक आपको अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिखा पाएँ। तो निकल पड़ते हैं सफ़र पर, तो अभी भी हमारा सफ़र जारी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि जिस रोड पर हम चल रहे हैं इसको बोलते हैं हम ताज हाईवे, ये क्योंकि ये ताज हाईवे आपका NH24 जो आपका 14 लेन का सबसे बड़ा हाईवे है इंडिया का, उसको कनेक्ट करता है और सीधा ये आपको जो कनेक्ट कर देता है, ताज हाईवे जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे उसे कनेक्ट करता है। अब हम आ गए हैं गौर सिटी मॉल, जो यहाँ का काफ़ी फेमस है। ये 4 मूर्ति है और इसको किसान चौक के नाम से भी जाना जाता है और गौर सिटी चौक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चौराया कनेक्ट करता है आपको NH91 से कनेक्ट करता है और आपको दिल्ली तक, ये आपको मंजिल दिल्ली आपकी मंजिल जो है उस तक आपको पहुंचा देता है, उसको भी कनेक्ट करता है। और आपका जो हम जिस रोड पे हम सीधा चल रहे हैं ये वो रोड है जो आपको सीधा यमुना एक्सप्रेस वे तक आपको लेके पहुंचाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रेड लाइट बहुत कम है, गोल चक्कर काफ़ी ज़्यादा हैं जो बहुत बेटर भी हैं ट्रैफिक को देखते हुए, इससे ट्रैफिक काफ़ी कम लगता है। तो जैसा कि दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका रैंथम काउंटी का बैक गेट है, अभी मैं आपको फ्रंट गेट दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह की। तो जो हॉस्पिटल आपको मिल रहा है 2 मिनट की ड्राइव पे आपको यथार्थ हॉस्पिटल मिल जाता है, 15 मिनट की ड्राइव पे आपको मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पर मिल जाता है, और 15 मिनट की ही ड्राइव पे कैलाश आपका हॉस्पिटल, और दूसरा आपका 20 मिनट की ड्राइव पे आपको मिल जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये मिल रही है आपको हॉस्पिटल की सुविधाएँ जो आपके आसपास, बाकी आपको सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल की सुविधा आपको मिलेगी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन की, तो यहाँ पर आपको बालक इंटरनेशनल कॉलेज, DPS वर्ल्ड, सेंट फ्रांसिस, दी मिलेनियम, रियान इंटरनेशनल, सेंट जॉनसन, ग्रीन वैली, तो काफ़ी सारे अच्छे स्कूल्स हैं जो आपको नियर बाई आपको सिर्फ मात्र 1 मिनट से 5 मिनट की ड्राइव पर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका रोड है जो आप यहाँ पर बिल्डिंग देख रहे हैं ये आपका मेन इंट्रेंस होगा आने वाले टाइम में,
और दोस्तों ये जो आप रोड देख रहे हैं इस मेन इंट्रेस से आपका जो रोड है यहाँ से आपको मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपका नोएडा है, जो आपका सेक्टर 62, 63, 64 जो है वो आपको पता है। यहाँ से मेट्रो सेक्टर 76 का जो पड़ता है वो मात्र 8 मिनट की ड्राइव पे आप पहुँच सकते हैं, यहाँ से मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं। तो मेट्रो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर और भविष्य में आपके आसपास भी मेट्रो आने वाला है, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम आपको फ्लैट दिखाते हैं। तो दोस्तों ये वो टावर है जिसका 90% काम कम्प्लीट हो चुका है, 10% अभी बाकी है। तो अब चलते हैं फ्लैट में। तो दोस्तों यही वो फ्लैट है जो आपको 2 BHK प्लस स्टडी मिलने वाला है। इसका जो साइज होगा वो होगा आप करीबी 1335 स्क्वायर फीट का आपको ये मिलने वाला है। तो इसमें आपको 2 बेडरूम प्लस स्टडी, बच्चे के लिए किड्स रूम और लिविंग, डाइनिंग, किचन, सर्विस बालकनी, 2 टॉयलेट, 2 बालकनी जो आपको इसमें मिलने वाली है। बाकी आप खुद अपने आंखों से देख पा रहे हैं जो आपको कैमरे के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, जो आपको इसमें मिलने वाला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा दिखा पाऊँ। अब चलते हैं स्टडी रूम में। तो दोस्तों ये आपका स्टडी रूम है, इसको आप जरा अपने तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया हुआ है। अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके, जो भी आपको जैसा भी लगता है आप प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये है आपका डाइनिंग हॉल जो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको जो मिलने वाला है, ये जो आपको उसके अंदर फर्नीचर मिले, ये फर्नीचर जो आपको दिख रहा है ये फर्नीचर आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। मैं आपको वीडियो में पहले साफ बता देता हूँ क्योंकि फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मैंने आपको वीडियो में ये बोल दिया कि आपको फर्नीचर मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका सैम्पल फ्लैट है रेथिम काउंटी का। तो हम आपको सैम्पल फ्लैट दिखा रहे हैं इसमें। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको 3 BHK भी दिखाऊँगा, वो भी आप उसमें देख पाएंगे। आपको उससे ये पता लगेगा आपको किस तरीके से आपको जो उसकी उस तरीके से जिस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से उसमें काम किया है, तो वो आप अपनी आंखों से देख पाएंगे मेरे वीडियो के जरिए आप। तो दोस्तों ये आपका आ गया किचन। तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है किचन के अंदर, काफ़ी बड़ा एरिया है जो किचन है। तो ये जो आपको लकड़ी का और ये जो आपको काम करा के ये आपको उसके अंदर मिलना है जो आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑफर भी आपको दिवाली तक दिया जा रहा है इसके अंदर। दिवाली के बाद शायद ये ऑफ़र चेंज कर दें या इसका प्राइस कम या बढ़ती हो सकते हैं। तो अभी तो उसका जो प्राइस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सामने आप जो देख पा रहे हैं इसमें आप अपनी LCD वगैरह, TV वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं। और ये सामने देखिए प्यारा सा डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें। और ये जो आपको शो के लिए आपको उसके अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, छोटा मोटा जो भी है शो के लिए पीस जो रख सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये रहा आपका वो रूम जो आपको मिलने वाला है, जो एक ये राइट में आपको रूम मिलने वाला है, जो इसका साइज है वो 10x11 का साइज है आपको जिसके अंदर मिलेगा। और इसी से आप अपनी बालकोनी में, इसी रूम से आप बालकोनी में जा सकते हैं, अपनी बालकोनी का एंजॉय ले सकते हैं, बाहर मौसम का एंजॉय ले सकते हैं इसके अंदर से आप। बाकी इसका ऊपर देखिए जो काम किया है, तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी की है मेरे हिसाब से, बाकी आप खुद देख लीजिए। तो ये डिज़ाइन वगैरह काफ़ी प्यारा किया है। दोस्तों यही चीज़ें हैं आपको जो देख पा रहे हैं आप उसमें। तो दोस्तों ये आपका वो टॉयलेट है जो आपका अटैच टॉयलेट दिया हुआ है। तो इसमें जो अभी काम बाकी जो रह रहा है वो अभी नहीं कराया जाता है, क्योंकि वो डिमांड पे किया जाता है। जैसे आप इसे बुक कर देते हैं तो आपके कहने से जो भी आप इसमें काम कराने चाहेंगे वो आपको करा के दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है टॉयलेट के अंदर भी, काफ़ी 5x5 का आपको टॉयलेट दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा साइज है, छोटा साइज नहीं है। अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में, तो उसको भी देखते हैं वो किस तरीके से बना हुआ है। बाकी आप पहले टॉयलेट को देखिए किस तरीके से उसमें काम किया है। तो ये देख सकते हैं
अब चलते हैं हम दूसरे रूम में। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये राइट में आपको दिया हुआ है टीवी का, इसमें टीवी अपना एलसीडी, आजकल टीवी तो कोई लगाता नहीं है, आजकल तो एलसीडी का ज़माना है और थोड़े दिन में तो एलसीडी भी चली जाएगी, आपको मोबाइल का ही ज़माना है। तो ये आपको सीलिंग का काम भी काफ़ी अच्छा है, देखिए ऊपर जो डिज़ाइन दी हुई है। पर हर फ्लैट में जो भी होगा कुछ थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होगा, ये तो पक्का है। तो अभी जो है यही है आपके सामने जो मैं वीडियो में आपको दिखा पा रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, तो यह है, तो देख सकते हैं आप उसको। ये आपको लकड़ी की आपको अलमारी वगैरह बना के दी जा रही है, अलमेरा वगैरह। ये आपका टॉयलेट आ गया इसके अंदर, तो इसका भी साइज सेम ही है आपका, जो दूसरे वाले टॉयलेट का सेम साइज़ ये आपको टॉयलेट मिलने वाला है आपको उसमें। अभी इसके अंदर थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो जहाँ तक मैं इसमें आपको क्लियर दिखा पाया और उतना मैंने दिखाया, बाकी उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा मांगता हूँ। आगे कोशिश करूँगा मैं आपको अच्छी तरह दिखा पाऊँ। दोस्तों ये था आपका 2 BHK प्लस स्टडी, अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा 3 BHK का आपको फ्लैट। तो ये देखिए, पहले आप 2 BHK देख लीजिए। तो ये भी आपका LCD वगैरह के लिए आपको दिया हुआ है। तो ये रही आपकी बालकोनी, तो बालकोनी इसमें आपको मिलने वाली है, काफ़ी बड़ी बालकोनी है, काफ़ी अच्छा स्पेस है बालकोनी में जो आपको मिल रहा है। दूसरे रूम की बालकोनी भी आपको साथ में ही मिल जाती है, तो वो भी आपको मिल ही रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो रहा आपका 2 BHK, अब चलते हैं 3 BHK की तरफ, तो वो कोशिश करते हैं उसको दिखाने की। हाँ तो दोस्तों यही है वो 3 BHK का फ्लैट जो आपको मिलने वाला है। इसमें अभी जो काफ़ी काम है वो अभी थोड़ा बहुत काम जो काफ़ी रह गया है वो अभी पेंडिंग है, पूरा फिनिश काम हो नहीं पाया। तो ये रहा आपका डाइनिंग हॉल एरिया जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा है। तो ये 3 BHK फ्लैट है, तो देखिए इसको थोड़ा मैं बताता हूँ फिर आपको और भी इसके बारे में। तो दोस्तों ये राइट में आपको दे दिया है किचन, और सामने आपको 2 रूम दिख रहे हैं, उसके लेफ्ट में ही आपको जो देख पा रहे हैं वो 3रा रूम आपका है। तो किचन के अंदर चलते हैं, किचन में देखते हैं किचन में आपको किस तरीके से काम किया गया है किचन के अंदर। तो इसमें भी दोस्तों किचन काफ़ी अच्छा स्पेस है किचन के अंदर। तो ये आपको लकड़ी का काम वगैरह जो करा के दिया जा रहा है वो सेम करा के दिया जा रहा है। तो दोस्तों जो आपको 3 BHK में मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 1500 स्क्वायर फीट के अंदर, जो पूरा एरिया होगा वो 1500 स्क्वायर फीट के अंदर होगा। तो उसमें आपको ये 3 BHK आपको दिया जा रहा है। इस रसोई से ही आपको बालकोनी तक जाने का आपको रास्ता दिया गया है, अगर आप किचन से बालकोनी तरफ जा सकते हैं और उसको गेट को बंद करके भी रख सकते हैं, तो आपको दोनों ऑप्शन इसमें दिए जा रहे हैं। अब चलते हैं हम रूम की तरफ, तो पहले देखते हैं हम अपना पहला रूम में एंटर करते हैं, उसमें देखते हैं किस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल रही है, किस तरीके से आपको उसमें वॉलपेपर मिलने वाला है। तो ये राइट में आपको पहले टॉयलेट दिया है, मैं आपको टॉयलेट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस टॉयलेट की खास बात यह है, आप इसको बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं, और अटैच लैट्रिन बाथरूम भी आपको उस तरीके से दिया गया है, जो आपको दोनों उसमें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आप इसको जिस तरह से चालू कर रखना चाहें उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये लेफ़्ट में देखो आपको गेट दिया है, जो सीधे इंटर आपके रूम के अंदर से आपको खुल जाता है, और आपका बाहर से भी आपको आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब कोशिश करते हैं आपको रूम दिखाने की, तो इसमें रूम में एंटर करते हैं हम। तो इस रूम में हम चलते हैं, तो दोस्तों ये रहा आपका सामने वॉलपेपर लगा हुआ है जो, बाकी अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं हम इसमें। तो उसका जो साइज है वो आपका 10x11 का साइज है इसमें, और यहीं से आपको बालकनी मिल जाती है रूम के अंदर से। इसमें ज़्यादातर सर जो आपके रूम हैं वो बालकनी आपके रूम से ही मिलती है, अटैच आपको बालकनी दी जा रही है। और अभी जो बिल्डिंग टावर हैं काफ़ी बन रहे हैं, उसमें काम चल ही रहा है, काम काफ़ी स्पीड से है इनका। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन दी जा रही है, इस तरीके से आप उसमें अपना जो भी सामान अपने हिसाब से जो भी लगाना चाहेंगे वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको वो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर जाइए और बताइए लिख के कि आपको कैसा लग रहा है फ्लैट। तो
तो अब चलते हैं दूसरे रूम में। दूसरे रूम का वॉलपेपर अगर बाहर से आप देख पा रहे हैं तो वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो इसमें से आप दिखाते हैं अंदर चल के थोड़ा। तो दोस्तों ये भी आपको सेम साइज़ का आपको जो रूम मिलने वाला है, ये भी आपको सेम साइज़ का मिलने वाला है। इसमें भी आपको बालकनी आप देख पा रहे हैं अपनी तरफ से, इसमें भी आपको बालकनी मिल ही रही है। तो ये रहा आपका LCD का स्टैंड, जिसमें आप अपनी LCD फिट कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग का काम देखें तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें थोड़ा काम अभी, काफ़ी काम इनका जो है वो अभी रह रहा है। तो अभी इसमें आपको जो भी है, मैंने कोशिश की है आपको इस फ्लैट का साइज़ दिखा पाऊँ, किस तरीके से ये आपका जो नक्शा तैयार किया गया वो दिखाने की कोशिश करी है मैंने इसमें आपको। तो अब चलते हैं इसमें थोड़ा, मैं आपको तीसरा रूम और दिखा देता हूँ एक बार, वो भी तीसरा रूम भी देख लेते हैं उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है इसमें। तो दोस्तों सामने से भी आपको जो आपका मेन डाइनिंग दिख रहा है तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा स्पेस है। अब चलते हैं तीसरे रूम में, तो आप तीसरा रूम देख पाएंगे। ये भी आपको जो मिल रहा है 10x11 का साइज़ मिलने वाला है आपको। तो इसमें भी आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच मिलने वाला है। और ये आपका राइट में रहा LCD वगैरह लगाने के लिए, सामने आपको बालकनी दिख पा रही है। और ये आपका वॉलपेपर। तो दोस्तों ये जो है आपका 10x11 का, ये भी आपका जो रूम है वो भी 10x11 का है आपका। बाकी फिनिशिंग काफ़ी ठीक है और काम अच्छा किया है। बाकी आप अपना जो उसमें जो पेंट वगैरह होता है वो आप अपने हिसाब से करा सकते हैं, आपको जैसा कलर पसंद आए वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसमें पेंट वगैरह। तो पेंट कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड होता है, जैसा उनको पसंद आता है। तो ये वो था आपका 3BHK का फ्लैट। कोशिश उम्मीद करता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छी वीडियो बनाने की, और उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, प्लीज़ अपनी राय जरूर लिख के बताएं और कैसी लगी वीडियो, और शेयर करें अपने दोस्तों को, आसपास जो भी लोग हैं उनको शेयर करें। अगर कोई आपके आसपास दोस्त रूम ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो हमारे DL4 फैमिली को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ पर लाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।